वहीं मेरठ में शिवसेना प्रदेश प्रमुख ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल ये बैठक अनिल सिंह ने पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव की तैयारियों के लिए ली, जहां पर आगामी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में सभी शिव सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया। प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह ने कहा कि 7 मार्च को शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं उस दौरान प्रदेश प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बनने पर बीजेपी के लोग आरोप लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना हिंदुत्व से भटक गई है, हालांकि शिवसेना हिंदुत्व पर हमेशा कायम थी और रहेगी। कांग्रेस की विचारधारा अलग है। वहीं एनआरसी के सवाल पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, साथ में आदरणीय उद्धव साहब का जो 7 मार्च का आगमन है, उसके संदर्भ में आज बैठक थी। पश्चिम के सारे जिलाध्यक्षों को मैंने बुलाया था, समीक्षा बैठक रखी है। 7 तारीख को रणनीति यहाँ तय हो रही है कि जो हमारे साहब आ रहे हैं उनका सत्कार कैसे हो, क्या योजना बने, और आगामी जो जिला पंचायत है उसमें प्रत्याशियों को चयन को लेकर बैठक हुई है। मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के शिवसेना से उत्तर प्रदेश प्रमुख अनिल ठाकुर जी, और उसी को यहाँ पर आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। बताया जा रहा है कि मार्च में 7 तारीख में मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का जो अयोध्या दौरा है उसके रिलेटेड यहाँ पर आज अपने पदाधिकारियों के बीच में उन्होंने बात की है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पदाधिकारी, उनसे हम बात करेंगे। आज आपके बीच में प्रदेश प्रमुख जी आए हैं, तो क्या क्या उनसे बात हुई है, किन किन मुद्दों पर लेकर आपसे बात हुई है? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और यही समाज के लिए बोल रहे थे कि मतलब यहाँ के लिए देख रेख करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, वो यही कह रहे थे। अच्छा, 7 मार्च में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं महाराष्ट्र से, शिवसेना से, तो उनके बारे में क्या कहा? कुछ नहीं, बस उनके लिए क्या बोलना, मिलना उनसे, उनका स्वागत करना। अच्छा, अब आने वाले इलेक्शनों में लगभग 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, उसके बारे में भी कुछ आपको बताया होगा कि किस तरह से तैयारियां करनी है, कैसे लोगों को जागरूक करना है? हाँ, बताया उन्होंने, हमसे भी कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कहा खूब, मतलब आप भी तैयारी करो, उससे भी बात की उन्होंने, कही कि तुम भी लड़ो। आपको प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप उनके साथ साथ, आपके सामने उनके सामने बैठे हो और उनको, उन्होंने आपको संबोधित भी किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, फिर चाहेंगे कि उनसे फिर मुलाकात हो। आप चाहते हैं कि आपके बीच में मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र मुंबई के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आपके बीच में आए, क्या आप चाहते हैं? हाँ जी, बोल दो। और तकरीबन यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता थे, संबोधित किया गया उनको। 7 मार्च में अयोध्या दौरा मुख्यमंत्री जी का भी है यहाँ पर। आम बजट के लिए भी उन्होंने निंदा की कि आम बजट के ऊपर जो आया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, आम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है वो, और काफ़ी चर्चाएं उन्होंने की है यहाँ पर। अपने सहयोगी गौरव पांडे के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव 24 मेरठ।